So last time we have seen that कि हमने किस तरह से अपनी raw data values को transform किया in values में जो आपके पास मौजूद हैं log transform value I guess और इसके लिए मुख्तलिफ steps थे calculations थी involved और इसको normalize भी किया standardize भी किया था हमने. So ये transformation हमारी data की complete हो गई. अब बात यह है कि डाटा एनालिसिस इस ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पे हम कैसे करते हैं और उसको करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं. आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं. फिगर 1.8 अगले पेज पे दी हुई है, वहां पे विजुलाइज किया हुआ है जहां पे एक्सप्रेशन लेवल्स ऑफ जीन प्रोफाइल्स ऑफ ए एंड जीन बी. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जीन ए और ये जीन बी है और जो ऊपर वाला है उसमें दोनों जीन ए में दोनों ट्यूमर ए और ट्यूमर बी के केसेस, इस तरह ही नीचे वाले जीन में भी जीन ट्यूमर ए और ट्यूमर बी के केसेस प्लस ओवर एक्सप्रेस्ड या अंडर एक्सप्रेस्ड कितना थे, तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे. सो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. Let me see here the students. Achha. So हम बात कर रहे थे कि ये उसको डाटा को विजुलाइज किया गया है इसको फर्दर देखने के लिए कि what are the underlying patterns और हम इसमें से इससे इस तरह विजुलाइज करके इसमें से बहुत सारी चीजें इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि जीन ए या जीन बी का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, या किसी डिजीज कंडीशन के साथ रिलेशनशिप है या नहीं, वो ओवर एक्सप्रेशन में गई हैं या अंडर एक्सप्रेशन में गई हैं एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट में. सो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस तो ऑब्वियसली बात है आपको देखने में नजर आ रहा है. ये जो जीन बी है उसमें आपकी ग्राफ दोनों कंडीशन में क्या है और जीन ए के केस में आपके पास जो दोनों कंडीशन में आपके पास क्या है. सो हम लोग यहाँ पे जो इसको जब हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हम बेसिकली एक्सप्रेशन लेवल्स, आपके पास एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, अरे के एक्सप्रेशन लेवल को डिफरेंट जो ना कंडीशंस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे कंडीशन ए और कंडीशन बी है, ट्यूमर ए और ट्यूमर बी है यहाँ पे. ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं और पॉपुलेशन एक ही है और आप उसमें देख सकते हैं कि व्हाट वेयर आर द वेरिएशंस या डिफरेंसेस कहाँ पे हैं. सो आप उसके लिए क्या करते हैं कि नॉर्मली आप ये एज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी और इट हैज इक्वल वेरिएंस. ठीक है, तो ये आपने अजम्पशन हमेशा हम रखते हैं जब भी हम इस पे कोई फर्दर एनालाइज करते हैं इस ट्रांसफॉर्म डाटा को. यहाँ पे बेसिकली हम लोग टी टेस्ट वो प्रपोज कर रहे हैं. टी टेस्ट में आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 0.05, टोटल टेस्ट उसने परफॉर्म किया 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, अल्फा इज 0.05 है और टू टेटी टेस्ट उसने परफॉर्म किया है उसकी. अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके दोनों के मीन आ रहे हैं एक्स ए और एक्स बी और यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी. आप देख सकते हैं इन दोनों में इस जीन ए के केस में कितना डिफरेंस है और जीन बी के केस में. तो अगर हम इन दोनों जीन्स की रन करते हैं और हमारे पास वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल जीन ए के लिए डिफरेंस ज़्यादा है तो आपके पास टी की वैल्यू आई है 16.72, जबकि हमारे पास रेंज है जो है वो नॉर्मल इसकी वो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की वो है -2.3 से +2.3 तक. तो इसका मतलब टी की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है, फॉर जीन ए. सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन लेवल जो है हमारे जीन ए के फॉर बोथ कंडीशंस
they are not same, ठीक है, या they are not coming from the same population. Depend करता है कि आप hypothesis क्या generate कर रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप null hypothesis को accept करते हैं. आप ये भी hypothesis होता है कि क्या जीन ए के केस में जीन ए जो है ट्यूमर ए और ट्यूमर बी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, ये हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है, नल हाइपोथेसिस हो सकता है. अब इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टी वैल्यू. तो टी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 इस रेंज से बहुत बड़ी है. इस जीन बी के केस में टी वैल्यू इस रेंज में फॉल कर रही है, तो इसका मतलब है वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और there is a like chance के जीन बी जो है दोनों ट्यूमर के लिए एक ही पॉपुलेशन से हो या वो correlated हो. So इसका मतलब है जीन बी दोनों केसेस में यहाँ पे relevant हो, मतलब it is possible, लेकिन जीन ए एक में हो सकता है relevant हो दूसरे में ना हो. और अगर आप इसको graphically देखें तो जीन ए जो है यहाँ पे इसमें ट्यूमर ए के केस में वो इट इज ओवर एक्सप्रेस्ड देन एवरेज जीन एक्सप्रेशन, और जो ट्यूमर बी के केस में इट इज अंडर एक्सप्रेस्ड. सो इसका मतलब है देयर इज उसमें कोई रबत नहीं बन रहा दोनों ट्यूमर ए और ट्यूमर बी. जो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थी उसमें जीन ए जो है उसका कोई रिलेशन आपको नजर नहीं आ रहा कि दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा इन दो कंडीशन में. लेकिन इन्हीं दो कंडीशन में अगर जीन बी को हम कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. इसका मतलब जीन बी मे बी मोर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द पर्टिकुलर डिजीज, क्योंकि इसमें हो सकता है कि और भी को रेगुलेटेड कोई जीन्स हो जिसकी वजह से इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो रही हो या इधर इधर अंडर एक्सप्रेशन हो रही हो, और ट्यूमर ए के केस में इट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डिजीज एज वेल. सो देर कैन बी मल्टीपल अजम्पशंस मेड डिपेंडिंग अपॉन योर फर्दर डेटा एनालिसिस. सो दैट्स हाउ यू परफॉर्म यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्दर टी टेस्ट टू कंफर्म योर रिजल्ट्स. अच्छा ट्रांसफॉर्म सॉरी आपने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया. अब ये तो था आपने फुल डेटा पे अपने जब ये सारा एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको अपने डेटा को फर्दर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उसमें उसको उसके वेरिएबल्स को और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है. सो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं. अब हम बात करते हैं उन टेक्निक्स पे. सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन एंड डेटा एनरिचमेंट, तो ये डेटा कि अपने जो वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस हैं उन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट उनकी उनकी वैल्यूज की नहीं, बल्कि उनकी ऑब्जर्वेशंस और जिसे आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की जो है ट्रांसफॉर्मेशन है ये. सो फर्स्टली अगर हम बात करें कि कोवेरिएट डाटा है दैट शुड बी एनालाइज्ड टुगेदर विद द एक्सप्रेशन प्रोफाइल, ठीक है, इसको आप डाटा एनरिचमेंट कहते हैं. अच्छा डाटा एनरिचमेंट क्या होती है कि आपके पास माइक्रो डाटा एक्सप्रेशन वैल्यूज मौजूद हैं और अब आप क्या करना चाहते हैं उसमें, अब आप ये करना चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा कोई डाटा उसमें इंट्रोड्यूस करवा दें जस्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल. सो इसे डेटा एनरिचमेंट कहते हैं. एक्सप्रेशन वैल्यूज के अलावा भी कुछ आप उसमें ऐड करते हैं. इसमें किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोवेरिएट डाटा जो है उसमें आपकी ट्यूमर टाइप हो सकती है, स्टेज हो सकती है, टिश्यू टाइप हो सकती है, सर्वाइवल टाइम्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकती है, और रिस्पॉन्स डोजेज हो सकती है. उसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन ऑन एनालाइज्ड जीन्स
या जीन प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे कि सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जीन फंक्शन, जीन लोकलाइजेशन, प्रोटीन लोकलाइजेशन, प्रोटीन इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। सो ये सब अब ये एक्सप्रेशन प्रोफाइल के अलावा है कि आप जिन जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, जिन प्रोटीन्स को स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनके सीक्वेंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी लोकलाइजेशन, उनके इंटरेक्शन, उसमें कोई SNP मौजूद है एंड सो ऑन। सो ये सब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस अपने डाटा के साथ, और फिर आप उसको फर्दर एनालाइज करें तो दिस इज कॉल्ड डाटा एनरिचमेंट। ठीक है, डाटा एनरिचमेंट आप कर सकते हैं। अब इसमें आपने डाटा, जो माइक्रो डाटा है, उसको एनरिच कर दिया, उसमें फर्दर एडिशन कर दी। फिर आ जाती है बात डाटा को रिड्यूस करने की। एक वे ये हो गया कि आपने डाटा को में से को मीनिंगफुल बनाना है तो आप डाटा एनरिच करें। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि आप डाटा को रिड्यूस करें। ठीक है, डाटा को रिड्यूस किस लिए करें? टू फोकस द एनालिसिस ऑन अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डाटा। एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डाटा को आपने फोकस करना है। सॉरी, या आपने इम्प्रूव करनी है अपने एनालिसिस स्टेप। ठीक है, अपने एनालिसिस स्टेप की परफॉर्मेंस आपने इम्प्रूव करनी है, उसके लिए आप डाटा को रिड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे दो मोटिवेशंस आ गई डाटा रिडक्शन की। फर्स्ट वन कि आप एक पर्टिकुलर डाटा के सबसेट पे जो है वो फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, आप अपने एनालिसिस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब इसमें चार डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ अभी आपको कि क्या क्या स्ट्रेटजी आप मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं टू टू डू या टू अचीव डेटा रिडक्शन। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सिलेक्शन। वेरिएबल सिलेक्शन, जिसे वेरिएबल को मैंने जैसे आपको बताया था, वेरिएबल को क्या कहते हैं? वेरिएबल को आप डायमेंशन भी कहते हैं। आपका हर जीन आपका वेरिएबल है। ठीक है, आपकी कंडीशन आपकी वेरिएबल हो सकती है, डिजीज और ट्यूमर टाइप वो आपका वेरिएबल हो सकती है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली अगर हम सिर्फ जीन्स की बात करें जो माइक्रो रे पे होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 30,000 जीन एक माइक्रो रे पे पड़ी हुई है, ऑल ऑफ देम इज एन इंडिविजुअल वेरिएबल, क्योंकि उनके कोई वैल्यू आई है और वो वैल्यू एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी कर रही है। सो आपके पास इसका मतलब 30,000 वेरिएबल्स हो गए जिसको आप एट अ टाइम आप एनालाइज कर रहे हैं। 50,000 भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। सो आपके पास वेरिएबल्स, और इसको आप डायमेंशंस भी कहते हैं। ठीक है, यू हैव हाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स और हाई डायमेंशनैलिटी। एनीवेज, सो वेरिएबल्स को वेरिएबल सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि आप एक सबसेट ऑफ वेरिएबल्स को वो सिलेक्ट करते हैं और उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। और वो सिलेक्शन किस बेस पे होती है वो बाद में देखते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन सिलेक्शन हो सकती है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी कह सकते हैं, आई गेस। सो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्क्रीन डाउन करना और उसमें से उन ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करके मतलब बाहर लेके आना या स्क्रीन आउट करना या फिल्टर करना जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जिनको एनालाइज करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको उससे मीनिंगफुल रिजल्ट्स या इंटरप्रिटेशन मिल सकती हैं। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन सिलेक्शन। देन वेरी इंटरेस्टिंग वन इज वेरिएबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरिएबल आपको जैसे मैंने बताया, वेरिएबल एक फीचर होता है आपके माइक्रो रे पे, तो आप फीचर कॉम्बिनेशन भी इसे कह सकते हैं। आप डिफरेंट फीचर्स को डायरेक्टली उनको यूज नहीं करना चाहते,
चाहते हैं, बल्कि उनको कंबाइन करके एक नया फीचर जनरेट करके उसको एनालाइज करना चाहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कम्बिनेशन. आपके पास एक तरह से कंपोजिट वेरिएबल बन जाता है जिसको आप फर्दर एनालाइज करते हैं किसी भी व्हाटएवर मॉडलिंग टेक्निक यू वांट टू यूज और प्रेडिक्शन यू वांट टू मेक. उसके बाद वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन. वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी जो स्टडी कर सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जिसमें आपने नॉर्मलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की थी और वो टेबल जनरेट किया था. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिडक्शन. ये एक रिडक्शन टेक्निक है. सो अब चलते हैं वेरिएबल या और फीचर सिलेक्शन. वेरिएबल को जैसे मैंने कहा फीचर भी कहते हैं. हमने पहले यहाँ पे पहली स्ट्रेटजी पढ़ी थी वेरिएबल या फीचर सिलेक्शन. सो या अभी हमें टाइम भी अपॉइंट वाला है इसके लिए दोबारा रीजॉइन करते हैं. सो यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है, प्लीज फ्री टू आस्क.